ये पूरा मामला जनपद कुशीनगर के तरह सुजान थाना क्षेत्र के गाय नरेंद्र की घटना। दो वर्ष पहले सेना नेतृत्व में हुए थे रिटायरमेंट सब डॉक्टर श्याम सुंदर ने पूरे कब्जे को जलाकर मारने का प्रयास किया। 5 वर्षीय बच्ची पूरी तरह से जलने से हुई दर्दनाक मौत, 3 की हुई गंभीर हालत, 80% सूजने के कारण जहाँ BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के लिए रेफर कर दिया गया। अपराधी ने घर के छत को तोड़कर घटना को अंजाम दिया। अपराधी ने पेट्रोल फेंक कर आग लगा दी। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधियों ने घर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, जहाँ पर घर में सो रहे बच्चे बुरी तरह से झुलस गए। प्राइमरी न्यूज शनी के लिए हाजिर। मैं फुल अच्छा हो दे डॉक्टर ने बता दिया था। नगर अंतर्गत ग्राम लवही नरेंद्र के रहने वाले रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर अपनी पत्नी व 2 बच्चों के साथ अपने पैतृक घर से कुछ ही दूरी पर कटरैन के बने हुए मकान पे सो रहे थे। आज रात में सूचना प्राप्त हुई कि उक्त घर में आगजनी की घटना हुई है। सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय थाने के द्वारा पहुंचने पर ज्ञात हुआ कि उक्त चारों व्यक्ति आग से झुलस गए हैं। इसके बाद उनको हॉस्पिटल भेजा गया। दौरान इलाज इनकी 5 वर्ष की लड़की राधिका की मृत्यु हो गई और स्वयं श्याम सुंदर इनकी पत्नी सरोज देवी और बेटा आकाश जिनका इलाज BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में चल रहा है। उक्त प्रकरण की गहराई से जांच की जा रही है। जो भी व्यक्ति दोषी होगा उनके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई होगी। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।